बारून नगर पंचायत में योजनाओं का शिलान्यास के लिए हम चेयरमैन साहिबा और उप चेयरमैन सभी वार्ड पार्षद सबको हम लोग इकट्ठा हुए 15 योजनाओं का आज हम लोगों ने शिलान्यास किया है, जिसकी राशि 1,05,85,030 रुपये है। क्योंकि नगर पंचायत बारून नया बना है, थोड़ा सा कठिनाई आ रहा है सबको, लेकिन हमको लगता है कि आज हम लोग श्री गणेश किए हैं। नगर पंचायत हमको लगता है के बाद इतने समय के बाद योजनाओं का मिलना क्या सौतेलापन व्यवहार नहीं है? नहीं, ये सौतेलापन का बात नहीं है, थोड़ा सबको फ्रेश है। प्लस दूसरे नगर पंचायतों से आप अगर कंपेयर कीजिएगा तो अपना संसाधन से भी जो रेवेन्यू कलेक्शन नगर पंचायत का, उससे भी योजनाएं होती है बहुत। जैसे नवी नगर है औरंगाबाद में है, उसको अपना भी पैसा बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। और अब बारून नया बना है और सभी चीज़ों को पहले को नज़र रखते हुए हमको लगता है कि आने वाले टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रेवेन्यू कलेक्शन भी करवा लेंगे। प्लस सरकार महागठबंधन की है और इस डिपार्टमेंट के मंत्री डिप्टी सीएम साहब स्वयं माननीय तेजस्वी जी हैं, तो हमको लगता है कि सौतेलापन तो नहीं, लेकिन अपना बेटा के रूप में जरूर इस नगर पंचायत को माननीय तेजस्वी जी बढ़ाने का काम करें। कई लोगों की ऐसी आम लोगों की शिकायतें भी है, क्योंकि आपका ये विधानसभा क्षेत्र भी है सर और नगर पंचायत का क्षेत्र है ही, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है आप दोनों साथी में इतने योजना को शिलान्यास की। लोग आम लोगों की शिकायतें हैं कि अभी भी बहुत सारी योजनाएं हैं या बहुत सारी कमियां हैं जो इतने समय बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई। देखिए, अभी तो हम लोग एक साल से ही सरकार में आए हैं, हमको लगता है कि एक साल के दरमियान में जितना सरकार का अचीवमेंट होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा आगे है हम लोग। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि बारून के अंदर में आप लोग अब देख रहे हैं तो थोड़ी कमियाँ हैं, इससे हम लोग डिनाई नहीं करते हैं, इसका हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं कि थोड़ी कमियाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि समय पार हुआ है। समय अभी हम लोगों के हाथ में है और सब कुछ अपने हाथ में है, तो इस बार हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अभी आप 15 देख रहे हैं, मैं तो पूरे नगर पंचायत के चेयरमैन उप चेयरमैन ईओ साहब से हम आग्रह करते हैं कि योजना बड़े बड़े योजना को लीजिए और पैसा राशि जो दिलवाने का काम है वो पटना से हम लोग बैठ के हम लोग करवा देने का। कब तक ये कंप्लीट हो पाएगा सर? ये तो आपको जो योजना है ये तो हमको लगता है कि एक महीने के अंदर में ये योजना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके ख़त्म होने से पहले इतना स्वस्थ कर देते हैं कि यहाँ से जो भी प्रपोजल जाएगा उसको हम लोग पटना से पैसा दिला के फिर नई योजना का हम लोग शिलान्यास करने फिर हम लोग आएंगे। सर, आपके माध्यम से ही बारून में एक स्टेडियम का अनुशंसित किया गया था आपके माध्यम से, उसका अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ? नहीं, कार्य स्टेडियम का टेंडर हो चुका है, थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि इंजीनियर चीफ उसके रिटायर कर चुके थे, इंजीनियर चीफ की पोस्टिंग हो गई है, टेंडर डिसीजन पे है। नवीनगर और बारून दोनों जगह एक एक स्टेडियम कला संस्कृति विभाग से हुआ है। हम तो धन्यवाद देंगे जितेंद्र राय जी को कि वो हमारे विधानसभा में दोनों ब्लॉक में, ये बिहार में ऐसा पहला है कि एक विधानसभा में दो दो स्टेडियम एक साथ निर्माण हो रहा है। और होपफुली अभी हम ये चाहते हैं और हमारी बात भी हुई है, नेक्स्ट लॉट में ये दोनों स्टेडियम के बनने के बाद इंडोर स्टेडियम का भी प्रावधान है, तो अगली बार हम लोग बारून और नवीनगर दोनों में एक एक इंडोर स्टेडियम बैडमिंटन पर होगा। नगर पंचायत में कहीं भी, नगर पंचायत में चेयरमैन साहब है, उप चेयरमैन है, ईओ साहब है, वो ये लोग जहाँ चिन्हित करेंगे वहीं का हम लोग प्रपोजल बना के भेज देंगे। बारून को सौंदर्यीकरण करने के लिए किसी तरीके का आपके पास कोई विचार ऐसा कुछ है जो सौंदर्यीकरण किया जा सके, क्योंकि नगर पंचायत के अंतर्गत भी आता है और आपके विधानसभा के अंतर्गत भी आता है? अब हम तो इसी के लिए बोल रहे हैं कि सभी वार्ड पार्षदों से, चेयरमैन साहिबा से, आप लोग बड़ा बड़ा प्रपोजल लीजिए सौंदर्यीकरण का, PCC का हो, वाटर सिस्टम का हो, ड्रेनेज सिस्टम का हो, सबका पैसा। देखिए, नगर पंचायत में पैसे की कमी बिहार सरकार या भारत सरकार दोनों में नहीं है, हम लोगों को योजना को लाकर और इलाके में अपने नगर पंचायत के अंदर में इसको पूरा कराना है, ये हम लोगों का दायित्व तो है, जवाबदेही है। और इसके लिए मैं पूरे नगर पंचायत के सभी मेंबर्स, ईओ साहब का, सबका मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये लोगों ने प्रयास किया है और आज से हम लोगों ने इस काम को चालू।